आज जो है हम जो है टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, जबकि एक तरह का और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको थ्री डायमेंशनल बोलते हैं। उसमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होता है, एक्स इस साइड में होगा, वाई ऊपर, जेड इस साइड में होगा। थ्री डायमेंशनल में, टू डायमेंशनल में एक्स इस डायरेक्शन में और वाई इधर। अब हमारे पास दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा आपका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो फिक्स रहता है, अनचेंज रहता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे जिससे वो चेंजेस हों उसमें। चेंजेस अलग अलग तरह के होते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमने फिर इसको सब कैटेगराइज किया हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें हमारा जो है ऑब्जेक्ट फिक में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें चेंजेस होंगे। जो हमारे चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले अगर शिफ्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। उसको किसी एंगल से हम रोटेट करते हैं रोटेशन। स्केलिंग शेप और साइज में हम चेंज करते हैं, छोटा ऑब्जेक्ट है बड़ा करते हैं, बड़ा है छोटा करते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज बनाए तो उसको मिरर रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेम फोर पॉइंट्स जो यहाँ पे हमारे फोर टाइप्स हैं वही हमारे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में भी होते हैं।